नमस्कार, होम डेकोर आइडिया देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको स्विच बोर्ड साफ करना बताऊंगी। आप देख सकते हो मेरा स्विच बोर्ड काफ़ी गंदा दिख रहा है, पास से देखिए काफ़ी गंदा लग रहा है ये इस टाइप से। तो इसको तीन तरीकों से बताऊंगी कैसे साफ करना है। इसके लिए स्विच बोर्ड साफ करने के लिए सबसे पहले आप पैरों में स्लीपर पहन लीजिए, और ये मेरा कोई सा भी आपका बर्तन साफ़ करने का जो लिक्विड होगा वो आप लीजिए। ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया, और इसमें हम थोड़ा सा वाटर मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें वाटर लेंगे और ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोरोली मिक्स होना चाहिए ये। और ये स्कॉच ब्राइट है, स्कॉच ब्राइट की हेल्प से हम स्विच बोर्ड साफ करेंगे। स्कॉच ब्राइट हम इसको ये भिगोएंगे अच्छे से और उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। हाथों में आप ग्लोव्स भी पहन सकते हो, और इस तरह से बस इसको घिसना है, लगा देंगे सारी जगह। बहुत ज़्यादा भी स्कॉच पानी नहीं आना चाहिए इसमें, स्कॉच ब्राइट में हल्का सा गीला होना चाहिए। इस टाइप से बस हम बटन्स को लगा देंगे और आजू बाजू में भी इसमें लगा देंगे। देखिए आप लगाते लगाते ही 50% तो निकल गया है, देखिए इस टाइप से। और इसको 1 मिनट हम ऐसा ही छोड़ेंगे। 1 मिनट होने के बाद हम फिर से एक बार उसको रब कर लेंगे इस टाइप से, और उसका सारा मैल जो है वो निकलता जा रहा है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से साफ हो गया है। इसके बाद हम साफ नैपकिन से इसको बस रब कर लेंगे, अच्छे से पोछेंगे इसको। नैपकिन मेरा एकदम ही ड्राई है, ड्राई नैपकिन से हम इसको पोछ रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये निकल चुका है, काफ़ी हद तक निकल गया है, और इस टाइप से एकदम ही साफ लग रहा है। इस टाइप के स्विच बोर्ड साफ करते टाइम बस एक ही ध्यान रखना चाहिए, पैरों में आप रबर की स्लीपर पहन लीजिए। ये देखिए एकदम ही साफ हो गया है स्विच बोर्ड, ये हो गया पहला टाइप। अब हम दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरे टाइप के लिए आप देख सकते हो मैंने कोलगेट लिया है, जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते होंगे वो लीजिए। थोड़ी सी मैंने बाउल में निकाल ली, और इसमें मैंने 2-4 बूंद में वाटर मिक्स करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए 2-4 बूंद मैंने इसमें वाटर डाला है। अब हम ब्रश की, ये पुराना ब्रश है, पुरानी ब्रश में अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी इस टाइप से। और ये जो कोलगेट है ये हम इसको स्विच बोर्ड को लगाएंगे। मैंने इसमें ज़्यादा पानी मिक्स नहीं किया है, क्योंकि ये स्विच बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, और कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड साफ़ करने से पहले आप उसका मेन स्विच पहले ऑफ कर दीजिएगा। इस टाइप से मैंने सारे बोर्ड में ये कोलगेट वाला पेस्ट जो है वो लगा दिया, और उसको बस 1 मिनट तक हमको रब करना है ब्रश की हेल्प से। और 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसा ही छोड़ेंगे। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो ड्राई नैपकिन मैंने लिया है, और इससे मैं बस इस तरह से रब कर लूँगी। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ये निकल चुका है। देखिए स्विच बोर्ड पहले कितना गंदा था और अभी कितना अच्छे से ये साफ हो चुका है। कोलगेट की हेल्प से हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया, बहुत अच्छा और इजी तरीका है ये। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ। थर्ड टाइप के लिए मैं यूज़ करूँगी बेकिंग सोडा। ये मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है, बेकिंग सोडा मैंने लिया है,
और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा विनेगर, आधा स्पून ही हम डालेंगे इसमें। आप देख सकते हो रिएक्शन हो रही है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू, दो चार बूंद नींबू के मैंने डाल दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो सॉल्यूशन है ये मैं स्विच बोर्ड को लगाऊंगी। ये देखिए कितना गंदा हो गया मेरा स्विच बोर्ड। और ये थोड़ा थोड़ा मिश्रण हम लेंगे ब्रश में, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है कि स्विच बोर्ड के अंदर वो विनेगर पर चला जाए। इस टाइप से लगाते जाना है, बटन्स के बीच में भी लगाना है। 50% तो यहाँ लगाते लगाते ही निकलता है। ये देखिए इस टाइप से हम बस ब्रश बटन्स को लगा देंगे सब जगह, और इसको एक मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एक मिनट के बाद मैं इसको ब्रश से बस उसको ऐसे रब करूँगी, जहाँ जहाँ भी मुझे मैला लग रहा है मैं इसको बस ब्रश की हेल्प से घिसूँगी इस टाइप से। ये देखिए, और इसको मैं नैपकिन से रब कर लूँगी। ये देखिए ड्राई नैपकिन लिया है मैंने, और इससे बस मैं रब कर लूँगी। देखिए इस टाइप से नीचे अंदर से भी इसको साफ करना है। देखिए ड्राई नैपकिन से मैंने सब रब कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छे से निकल चुका है। तीनों मेरे तरीके अगर आपको पसंद आए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।